हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेदर क्योंकि अच्छा हो रहा है और अच्छे वेदर में मैंने सोचा क्यों ना एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट के बारे में आपको अपडेट दे दूं। और इस जगह जहां पे मैं खड़ा हूं ये है मारुति कुंज मोड़। और यहां पे एक्चुअली आप यहां से कह सकते हो कि यहां से काम स्टार्ट होता है फेज़ टू का, या यहां पे ये भी कह सकते हो कि ख़त्म भी होता है, क्योंकि अगर आप सोना की तरफ से आ रहे हैं और राजीव चौक जा रहे हैं तो यहां पे इस कंपनी का काम ख़त्म होता है, जो कि कंपनी काम कर रही है GSHPL। तो फेज़ टू का काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे ये लॉन्चर लगा रहे हैं, उस इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाए सेगमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए ये लॉन्चर है यहाँ पे फिट कर रही है टीम। और जहाँ पे ये आपको जो बोर्ड देख रहा है, जो आखिरी बोर्ड दिख रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे इनका काम ख़त्म हो जाता है। और BSF कैम के पास से, या फिर आप कह लीजिए राइट हैंड साइड में जो इंडियन ऑयल का फ्यूल स्टेशन पड़ता है, वहाँ से काम स्टार्ट होता है सी ओरिएंटल कंपनी का। यानी कि ये जो बोर्ड आखिरी देख रहे हो तो यहीं तक इनका काम है और यहाँ से स्टार्ट होता है काम OSC ओरिएंटल कंपनी। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जो मेरे राइट हैंड साइड में है, तो ये हमारा होने वाला है एक्सप्रेस लाइन, और जिस पे इस वक्त मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ ये हमारा होने वाला है सर्विस रोड। और इस वीडियो में आज यही जानेंगे कि क्या काम चल रहा है फेज़ वन का, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है एलिवेटेड रोड, जो कि आपको सीधा आप नीचे आओगे रहेजा मॉल के पास। और ये गुड़गांव का सिटी का सबसे बड़ा एलिवेटेड रोड है, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा है। और इस पे एक बार अगर आपने ले लिया, इसके ऊपर अगर एक बार आपने अपनी गाड़ी को ले लिया, तो आप सीधा रहेजा मॉल के पास ही उतरने वाले हो। और ये रहा, और इस पे अगर आप देखोगे तो OSC ओरिएंटल भी लिखा है और सेंट्रल पार्क भी लिखा है। सेंट्रल पार्क वही है जो बिल्डिंगें बनाती हैं, फ्लैट्स बनाती है, तो ये दोनों सिस्टर कंसर्न कंपनियां हैं। और यहाँ पे ये जो विंग्स ऐड करने थे, एक्स्ट्रा लेन जो ऐड करने थे, वो भी कर दिया है। तो एक पिलर पे ये 6 लेन का पूरा बनाया जा रहा है एलिवेटेड रोड, और इसमें विंग्स ऐड करने के बाद ईस्ट साइड 3 लेन का हो जाता है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये 1 लेन ही है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो, जो ये लॉन्चर के थ्रू ये सेगमेंट जो कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब वो विंग्स ऐड करते हैं जो आपने स्टार्टिंग में देखा था, तो ये बन जाता है ईस्ट साइड 3 लेन का और बोथ द साइड 6 लेन। काम इस पर तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि ये जो मॉल है इसको भी क्रॉस कर दिया। और ये मॉल आपको बताऊँ तो ये नया ही आया है और ऑलमोस्ट धीरे धीरे तो ये खुल भी रहा है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें अब स्टार्ट हो गई हैं खुलना, और पिलर तो आपको पता है, पिलर्स तो इस पर बहुत पहले ये बन चुके थे सारे के सारे। और एक और भी खूबसूरत सा अपडेट है, वो भी मैं आपको बता दूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा, और जो कि हम वही कर रहे हैं, हम आगे ही चल रहे हैं। वैसे आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और हाँ, अच्छे से मुझे याद आया यार, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लिया करो, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो तो, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तो थैंक यू सो मच, लेकिन जो नए हैं वो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आसपास का अपडेट मिलता रहेगा। आसपास बोले तो दिल्ली NCR। वैसे जब ये सब कुछ थोड़ा नॉर्मल सा हो जाएगा तब हम और भी आगे चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं लिस्ट में। और आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि किस एक्सप्रेसवे या किस प्रोजेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो जब थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। जो मुझे सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो आ रहा है लखनऊ एक्सप्रेसवे का, उस पर तो ड्राइव करने ज़रूर चलने वाले हैं, ये लिस्ट में सबसे ऊपर है, तो डन रहा। तो चलिए अब हम पहुँच चुके हैं बादशाहपुर। अगर बॉस आपने कुछ टाइम पहले अगर बादशाहपुर आए थे जब ये काम चल रहा था, तो अब देख लो ये जगह कितनी अच्छी दिख रही है। एकदम वाइडर रोड हो चुका है, ट्रैफिक है नहीं, गाड़ियां लेफ्ट हैंड साइड में पार्क होती है। और यहां पे काम जो चल रहा है ये आप देखोगे तो ये चल रहा है पिलर को ढालने का काम चल रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट देना था वो ये था, तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग है
जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हो जो बीकानेर की बिल्डिंग थी, जो हट नहीं रही थी, आपने अगर देखा होगा, मैंने आपको बोला भी था, तो ये फाइनली ये बिल्डिंग जो है इसे हटा दिया गया है, ये देखो आप। तो यही एक आखिरी बिल्डिंग, एक दो आप कह लीजिए, जो रह रहा था, जो कि नहीं हट पा रहा था, लेकिन फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि ये भी अब हट चुका है। और वीडियो रहा आपके स्क्रीन पे, तो जिस दिन ये हटा रहे थे तो लकली आपका भाई भी उसी टाइम पे वहाँ था मौजूद, और ये रहा फुटेज उसका आपके स्क्रीन पे। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो कंक्रीट से ढालकर पिलर बनाना है उसका काम चल रहा है। वीडियो आई नो कि लंबा होने वाला है, बट मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ कोई भी पार्ट, क्योंकि फेज़ वन बोला है तो फेज़ वन का पूरा काम दिखाऊंगा, कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूँ। ये जो है यहाँ पे ये पिलर बन रहे हैं, ये अगर आप देखोगे, और इसे बस अब कंक्रीट से ढालना है, और कंक्रीट से ढालने के बाद इसे टी शेप में लाया जाएगा, और उसके बाद फिर लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जाएगा, जो सेगमेंट होते हैं उनसे, कंक्रीट के जो सेगमेंट्स बनाते हैं। और जब से ये कंक्रीट के जो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट जब से आया ना, थोड़ा काम करना आसान हो गया है। तो चलो अब पहुंचने वाले हैं वाटिका चौक, तो वाटिका चौक चलते हैं और फिर देखते हैं। तो चलिए, ग्रीन का सिग्नल हो चुका है और हमने क्रॉस कर लिया है वाटिका चौक को। और जैसे ही आप वाटिका चौक को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने वाला है कि यहाँ काम चल रहा है जो पिलर्स आने हैं उनका, ठीक है। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको दिखाया था तो आपको ये दिखाया था कि यहाँ पर जो मशीन है जिसकी मदद से फाउंडेशन तैयार किया जा रहा था, लेकिन फाउंडेशन भी तैयार हो चुका है। और अगर आप देखोगे तो पिलर बनने से पहले जो सरिए का जो पूरा नेटवर्क खड़ा करते हैं, मतलब जो जाल बिछाते हैं, वो भी तैयार हो चुका है। तो अब इसे कंक्रीट से ढालना ही बाकी रह गया है ना। तो इस जगह पे भी काम जो है वो चल रहा है, और अच्छी बात ये भी है एक तरह से कि अभी क्या है कि ट्रैफिक है नहीं, तो जिसकी मदद से कम होने की वजह से जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल रहा है काम करने में उस जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक हुआ करता है। तो ट्रैफिक का जब मोमेंट होता है तो आप समझ लीजिए कि दिन के वक्त तो ऑलमोस्ट वो ना के बराबर ही काम करते थे, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी जो मशीनरी होती है वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि ट्रैफिक उतना ज़्यादा है नहीं, तो ये आराम से कर पाते हैं अपने काम को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है ना, जब ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है लाइफ में, तो ये उनमें से एक है। और ये यहाँ पे अगर आप देखोगे उमेक्स मॉल के पास, तो सारे जितने भी पिलर्स, तकरीबन जितने भी पिलर्स आने हैं उनका तो फ्रेम इन्होंने तैयार कर ही दिया है, ठीक है। सरिये का पूरा जाल इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अब फिलहाल सरिये का स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद ये जो पिलर्स हैं वो भी बनाते हुए आ रहे हैं, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये पिलर्स भी दिख जाएगा। ये देखो आप, ये पिलर्स आपको सारे दिख जाएंगे, है ना, दिख रहे ना, देखो। वैसे मौसम तो ऐसे बारिश का हो रहा है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि कब होगा या नहीं होगा। वैसे ये जो जिस पर मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब फ्यूचर में अगर आप इस एलिवेटेड रोड पर नहीं रखते हैं तो आपकी रोड को यूज़ करना पड़ेगा। और ये तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 3 लेन का है। जी हाँ, स्पेस आईटेक पार्क की बिल्डिंग है ये वाला, ठीक है, स्पेस आईटेक पार्क की बिल्डिंग है। और उसके पास अगर आप देखोगे तो ये सारे पिलर्स बन के तैयार हो चुके हैं। और इनफैक्ट यहाँ से आपको जो वो लॉन्चर है जो स्टार्ट हुआ था रहेजा मॉल के पास से, वो भी दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। तो ये पूरे जितने भी पिलर्स आने थे वो तो सब कुछ आ चुका है, और ये यहाँ पे टी शेप में भी इसको ला दिया है, जितने भी पिलर्स टी शेप में आने थे वो भी आ चुके हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि काम वाकई में इस पर तेज़ी के साथ चल रहा है। एक जो प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ काम चल रहा है NCR में, तो वो एक ये प्रोजेक्ट है सोना एलिवेटेड रोड, जिसको मैंने देखा है, और काम इस पर सच में तेज़ी के साथ हो रहा है, और आपको हर दिन के साथ आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक जो पूरा लॉन्चर है ये आ चुका है, सब्सिडी 2 की रेडलाइट थी उसको भी इन्होंने क्रॉस कर लिया है, और उससे आगे तक ये लॉन्चर आ चुका है। और यहाँ से आपको लंबाई देखो कितना लंबा ये दिख रहा है,
अब आपको थोड़ा सा ना ऐसे फील आने लग गया होगा कि कैसा कुछ दिखने वाला है या क्या कुछ दिखने वाला है ये पूरा एलिवेटेड रोड। जब मैं पहले आपको बोलता था कि ये नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो शायद उस समय थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता था समझना, लेकिन अभी देखो, अभी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि वाकई ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा डाउन हो रहा है। इसमें जो एक्स्ट्रा, जैसे आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था, जो लेन ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लगा के, विंग्स लगा के, तो वो भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। और जो सामने आप अगर देखोगे तो वही है, वो देखो सामने, ये है ना, ये देखिए, ये रहा। तो ये है नया जो इन्होंने लगाया है स्ट्रक्चर, और इसी की मदद से इस पर दो एक्स्ट्रा लेन ऐड हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये साइड से इन्होंने कंक्रीट का फ्रेम लगाया है, और फिर इस पर मिट्टी डाल के, और ये डाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, ये पूरा जो एलिवेटेड रोड है ये आ जाएगा। तो ये इतना लंबा है, और इसीलिए ये सिटी का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड बन रहा है, और आप और हम बनते हुए से देख पा रहे हैं, है ना। तो और ये यहाँ से फिर आप जब नीचे आओगे तो ऐसा मत सोचना कि नीचे आते ही फिर यहाँ पे आपको ढेर सारी ट्रैफिक या ढेर सारी गाड़ियाँ दिखने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा है ये दोनों तरफ से गाटर देके, तो आप यहाँ नीचे आने के बाद भी आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि इस पर ऐसा कुछ लफड़ा है नहीं। दिस इज़ जस्ट लाइक, अगर आपने देखा है जो मेरा ब्लॉग जो मैंने बनाया था, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि एक बार आपने सराय काले खां पे लिया तो सिर्फ आप दिल्ली बॉर्डर के पास निकल सकते हैं, यानी कि 6 किलोमीटर के बाद। तो वैसे ही इसमें इन और आउट दिया जाएगा, मतलब ये एक्सेस कंट्रोल एलिवेटेड रोड है कि इसे एक्सेस करने के लिए आपको एक्सेस पॉइंट दिए जाएंगे, और जिसके मदद से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। वो नॉर्मल रोड की तरह नहीं कि जो कि एक्सेस कंट्रोल होता नहीं है, कोई कहीं से भी आके इंटर कर सकता है, चाहे वो रॉन्ग साइड से भी आ जाए और राइट साइड से भी आ जाए। तो ये सरकार ने सही जुगाड़ निकाल रखा है कि एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाओ, एक्सेस कंट्रोल हाईवेज बनाओ, ये रॉन्ग साइड, ये रॉन्ग एंट्री, इन सबों का लफड़ा ही नहीं होगा। यहाँ पे मिट्टी निकालने का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि इस जगह पे बनने वाला है अंडरपास, और यहाँ पे काम इतनी तेज़ी के साथ चल रहा है क्योंकि ये अंडरपास का भी काम चल रहा है। इसका पूरा एक डिटेल वीडियो अंडरपास का, सिर्फ इस सेगमेंट का मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे ये अंडरपास बन रहा है। और ये जगह है सुभाष चौक, और इस जगह पे अभी फ़िलहाल तो ट्रैफिक को ऐसे डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो दूसरे लेन से आपको जा रहा है, लेकिन उस साइड राइट हैंड साइड में मेरे चल रहा है पूरा बहुत तेज़ी के साथ इस पर, जो कि है अंडरपास का काम। थोड़ा सा मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ झलक, ये देखो ये यहाँ पे चल रहा है अंडरपास का काम इस जगह पे। वो जेसीबी देखो कितनी नीचे है ना। तो इस पूरे स्ट्रेच का ना, जो अंडरपास का है, इसका मैं आपको दिखाऊंगा काम कि क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और फिर उस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि इस पे काम कैसे चल रहा है। फिलहाल आज जो हम देखने वाले हैं वो फेज़ वन का है, हमें पीछे करना पड़ेगा और हमें वापस चलना पड़ेगा। चलो बैक कर लेता हूँ। सुभाष चौक को जैसे आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे भी अभी अंडरपास का काम तो चालू हुआ नहीं है, क्योंकि जब आप राजीव चौक की तरफ से भी आओगे तो भी यहाँ पे अंडरपास आपको मिलने वाला है कुछ इस जगह से। ये जो फ्यूल स्टेशन देख रहे हो, या फिर आप ये देख लो, ये जो टाटा मोटर का जो शोरूम है, बस इसके पास से ही आपको अंडरपास मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप बड़े आराम से निकल जाएंगे। और ये देखो दुकानें कितनी पीछे चली गई हैं, देखो, क्योंकि इस जगह पे ना तो एलिवेटेड रोड है ना ही अंडरपास है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेस लेन होगा, और उस साइड वहाँ पे सर्विस रोड भी होगा। और ये जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा ना, एकदम कहते हैं ना, क्लास ही अलग होगा इसका, पूरा क्लास अलग होगा। फिर आपको मैं एक पूरा इस पूरे स्ट्रेच का एक फुल वीडियो दिखाऊँगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा कुछ एक साल, बट ये वैसा ही कुछ दिखने वाला है। आज कल दिखता है वो
जो है ना गोल पोस्ट रोड, वो बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये कुछ वैसा ही दिखने वाला है हमें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।